काश तुम मुझे याद कर रहे होते। आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई विश यू वुड बी मिसिंग मी। उसने मेरे बारे में क्या क्या कहा, इसकी इंग्लिश होगी व्हाट ऑल डिड ही से अबाउट मी। मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, इसकी इंग्लिश होगी आई फील लाइक टेकिंग टी। आज तो कुत्ते जैसी हालत हो गई, इसकी इंग्लिश होगी आई हैव गॉट सिक एज अ डॉग टुडे। मैं एकदम से कुछ नहीं कह सकता, आई कैन नॉट से एनीथिंग ऑफ हैंड। तुम्हारे दिमाग को जंग लग गया है, आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे योर ब्रेन हैज बिकम रस्टी। जैसे तैसे मैं यहां आया हूं, आई हैव कम हेयर समहाउ। तुमने शर्ट उल्टी पहन ली है, अगर आपको बोलना हो तुमने शर्ट उल्टी पहन ली है तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव पुट ऑन द शर्ट इनसाइड आउट। पढ़ाई करने के लिए पैसे का होना ज़रूरी है, इसकी इंग्लिश होगी देर हैज़ टू बी मनी टू स्टडी। मैं कल आपसे नहीं मिल पाऊँगा, इसकी इंग्लिश होगी आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू टुमारो। तो जब कभी भी आपको बोलना हो मैं कल आपसे नहीं मिल पाऊँगा तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू टुमारो। तो आज के लिए इतना ही, इन सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए एंड मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नए सेंटेंसेस के साथ।